मामला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित HDFC बैंक ATM का है, जहां देर शाम दो युवक बाइक पर आए और ATM से रुपए निकालने का प्रयास कर रहे थे। तभी ATM पर तैनात गार्ड राघवेंद्र पाल ने युवकों को टोका तो उन्होंने अपने एक अन्य साथी को भी बुला लिया और गार्ड से हॉक टॉक करने लगे। इसके पश्चात गार्ड राघवेंद्र पाल ने इसकी सूचना थाना टूंडला पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में तलाशी ली तो उनके पास से करीब 15 से 20 ATM कार्ड बरामद किए। इस पर पुलिस ने तीनों युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों हिरासत में ले लिया है और गंभीरता से मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं युवकों का कहना था कि वह कंपनी में कार्य करते हैं जिसकी कमीशन उनके खाते में आती है, उसे निकालने के लिए वह ATM पर आए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव हट्टीगढ़ी। आप कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? HDFC बैंक के टूंडला पे। आप यहाँ पे जो तीन चार लड़के आए थे वो क्या मामला और जो पुलिस उठा के ले गई है वो मामला क्या है, पूरा मामला बताइए। इन पे ये था कि 25-30 कार्ड थे, वो कुर्सी पे बैठ के पैसा निकाले, उनको मैंने टोका। मैंने कि इतने भाई आपका कैसे कार्ड है, तो उन्होंने बताया मुझे कि हम कंपनी में ठेकेदार हैं तो इसलिए कार्ड कमीशन है। मैंने भाई मेरी बैंक में तो मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, उन्होंने 3-4 कार्ड अलाउ होते हैं बस ज़्यादा मत करना, तो वो मुझ पर हिटने लगे। तो फिर मैंने नितिन सर को बात की, अभी फ़ोन आ रहा है, तो मैंने उनसे भी वो बोले को पुलिस को बुला दूँ। तो मैंने कि ठीक है पुलिस को, तो ये बच्चा आ गया तो एक लड़का हो रहा है वो धमकाने लगा मुझे। तो मैंने कि भाई धमकाओ मत ही और मैं भाई पुलिस को बुला लूँगा, अपना बात कर लेना। तभी उनने पुलिस को फिर जब पुलिस आई है तो कितने लोगों को ले गई यहाँ से? तीन आदमी। कौन सी गाड़ी से थे? पल्सर।